तो नोटबंदी पर पहले दिन से ही सियासत तेज है, तो वहीं अब चुनावी मौसम में शह और मात का खेल भी तेज हो गया है। नोटबंदी से हुई मौतों पर मुआवजे का मरहम कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। तो वहीं सवाल ये भी है कि नोटबंदी पर सरकार की दलील की डेडलाइन करीब आ गई है, तो आखिर कितनी बदल पाई तस्वीर। बात क्रिसमस की भी करेंगे। ले चलेंगे देवघर, जहां डाक टिकट्स में दिखी प्रभु की लीला। साथ ही जाते जाते याद करेंगे सुरों के सरताज मोहम्मद रफी को भी, सिर्फ इंडिया की बात में। जहां तो चुनावी मौसम में काले धन पर वार के मास्टर स्ट्रोक के जरिए केंद्र सरकार ने विपक्ष पर लीड लेने की कोशिश तो की, लेकिन वक्त बीतने के साथ आ रही मुश्किलों ने सरकारी दावों की हवा निकाल दी, खासकर नोट की लाइन में हुई मौतों ने। लेकिन इस बीच यूपी की अखिलेश सरकार ने चल दिया नया दाव और नोटबंदी के मारों को मुआवजे के चेक मार दिए। नोटबंदी की सियासत में चल रहे इस शह और मात के इस खेल पर हमारे खास पड़ताल इस रिपोर्ट के जरिए। लोकतंत्र में जो सरकार जनता को दुख देती है, लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करती है सरकार, जनता को जब मौका मिलता है ऐसी सरकारों के खिलाफ मतदान करती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, देश में कई हिस्सों में चुनाव होगा। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता और जिनको तकलीफ पहुंची है, परेशानी पहुंची है, वो जरूर सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। तो सुना आपने, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बता रहे हैं कि नोटबंदी ने कैसे जनता को हलकान कर दिया है और जब ये परेशान जनता अपना फैसला लेगी तो क्या नतीजे आएंगे। तो क्या ये सिर्फ जनता का दर्द है जिसने सीएम साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया? जी नहीं, ये तो चुनाव की लीला है जो बड़े से बड़े नेता को भी जनता का हमदर्द बनने पर मजबूर कर देती है, या फिर कहें कम से कम हमदर्द दिखने पर तो मजबूर कर ही देती है। केंद्र के नोटबंदी के फैसले के नतीजे तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन इससे जनता खासी परेशान हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं नोटबंदी से हुई मौतों ने यूपी में सियासत का नया मुद्दा भी दे दिया। ऐसे में परेशान जनता के जख्म पर मरहम के बहाने सियासत शुरू हो गई है, सियासत मुआवजे की। जी हाँ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी पहल करते हुए नोटबंदी के दौरान यूपी में बैंक या एटीएम की लाइन में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी से अब तक यूपी में 14 लोगों की मौत हो चुकी। जो लोग लाइन में जिनकी जान गई है, जो अपनी मेहनत का पैसा लेने गए, पैसे की वजह से उन्हें लाइन में लगना पड़ा, पैसा मिला नहीं, उनकी जान चली गई, उन परिवारों की भी मदद करने के लिए सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए देने का काम आज हुआ है। साफ है कि यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बहाने एक बड़ा दांव खेला है। नोटबंदी में हुई मौतों का आंकड़ा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने नोटबंदी में हुई मौत का मुआवजा बांट कर इसे सियासी तौर पर भुनाने की शुरुआत कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि बैंकों और एटीएम की लाइन में जान गंवाने वालों को मुआवजा सरकार ने किस आधार पर दिया? क्या अखिलेश सरकार ने नोटबंदी को आपदा माना? क्योंकि इस तरह के मुआवजा सरकार की तरफ से किसी दैवीय आपदा के समय ही दिए जाते हैं, या फिर नोटबंदी से हुई मौत पर मुआवजे को अखिलेश सरकार किसी बड़े हादसे की तरह मान रही है? हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को इस तरह की सरकार मुआवजे देती है। सवाल ये भी है कि क्या सीएम अखिलेश एक तीर से कई निशाना लगा रहे हैं? यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या अखिलेश सीधे सीधे मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या अखिलेश बीजेपी और पीएम मोदी की नोटबंदी का मुहिम का असल सच लोगों के सामने लाना चाहते हैं? जिस तरह पीएम मोदी नोटबंदी को आम आदमी के हक और हित में लिया बड़ा फैसला बता रहे हैं, उसी तर्ज पर अखिलेश इस फैसले को धत्ता साबित करने की कोशिश में लगी हैं। तो वही बीजेपी ने मुआवजे को लेकर अखिलेश सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। पार्टी अखिलेश को सूबे की दूसरी समस्याओं पर ध्यान देने की नसीहत देती दिखी। शुद्ध तौर पर वोट की राजनीति है। जब हम कहते थे किसान ने आत्महत्या की है, तब यही अखिलेश यादव की सरकार मंत्री कहते थे कि वो हार्ट अटैक से मर गया, उस
उसको बुखार था, मैं पूछना चाहता हूँ क्या पोस्टमार्टम कराया था, और पैसा अगर कोई लाइन में मरा तो उसके साथ संवेदना हमारी है, हमें भी दुख है, लेकिन दो दो लाख रुपए देकर राजनीति करने के बजाय अच्छा होता कि नोटबंदी के कारण जो कुछ कठिनाइयां उसको दूर करने में सरकार सकारात्मक कदम उठाती, सकारात्मक मदद करती, और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं इस राजनीति से उनका भला होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के जहाज में बहुत बड़ा छेद है, वह कोई नौटंकी करके, कोई विज्ञापन करके, कोई सरकारी धन जो इस प्रकार से देने का काम किए, मैं उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर और भी कई समस्याएं, उनका समाधान करें। सपा जा रही है, भाजपा आ रही है, कमल खिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भाजपा मय है, कमल मय है, मोदी मय है, कमल खिलने जा रहा है। नोटबंदी पर सियासत तेज है, तो वहीं जानकार ये तो मानते हैं कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के पैसों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है, वो चाहे तो किसी भी मदद के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बात अगर नोटबंदी के दौरान हुई मौतों पर मुआवजे की है तो यहाँ मसला सियासी भी हो जाता है, क्योंकि यूपी में जल्द ही चुनाव है और नोटबंदी बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री का जो विवेकाधीन कोष है उसका वैसे तो नाम विवेकाधीन है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो सामान्यतः लोगों की इलाज कराने के लिए, लोगों की कोई ऐसी चीज़ हो जो सामान्य नियमों में कवर ना हो रही हो वो अनुदान देने के लिए, उसके लिए किया जाता है। अब ये जो पैसा दिया गया है जिसमें 2 लाख रुपए दिया गया है जो नोटबंदी के दौरान लाइन में खड़े हुए हैं, तो 2 लाख रुपए क्या वैल्यू है आज के ज़माने में? तो आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए देना चाहिए था, तब तो मानते आप वास्तव में इसको भरपाई कर रहे हैं अगर उसकी मृत्यु हुई है तो। लेकिन ये पॉलिटिकल है, इसमें माइलेज लेना चाहते हैं पॉलिटिकल। केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, उसकी वजह से जो लोग मरे, 100 लोग या 150 लोग जो भी मरे, उनको केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया, ये दिखाना चाहती है सरकार। खैर, इस मुआवजे पर जो बयानबाजी हो रही है सियासत हो रही है, लेकिन लाभार्थियों को इससे क्या, वो तो बस अपनी तकलीफ बताने और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने में व्यस्त है। कल उनके पैसा उठाने गए थे तो 9 बजे से लाइन में लगे रहे, कोई सुनाई नहीं करी, हम पैसा मांगे का लाइन में लगी रहो, हमारे दर्द हुआ पेट में, हमने कही हमें पैसा चाहिए बाबू जी, कहे अब रुको, अब लाइन में लगी रहो, हमारे बच्चा हो गया 4 बजे का, 4 बजे। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? 2 लाख रुपया देने की। जाहिर है कि जनता को तो ऐसे ही प्रतिनिधियों की जरूरत है जो वक्त पर उनके काम आए, और कम से कम इस मसले पर अखिलेश यादव ने बाजी मार ली है। भले ही मुआवजे के नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हों, लेकिन इन 14 परिवारों की नज़र में तो अखिलेश सरकार उनकी रहनुमा बन ही गई। बाकी सियासत का क्या है, वो तो अपनी राह तलाश ही लेती है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ विवेक तिवारी, इंडिया 24/7। तो नोटबंदी का आज 46वां दिन है, देश को नोटबंदी से क्या मिला बता पाना मुश्किल है, 30 दिसंबर के बाद देश को क्या मिलेगा ये भी बता पाना मुश्किल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, तस्वीरों के जरिए आप नोटबंदी को समझने की कोशिश कीजिए। यूपी में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी मौसम में सीएम अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में नोटबंदी के चलते यूपी में बैंकों और एटीएम्स की लाइन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक बांटा। और दूसरी तस्वीर पीलीभीत की है, फेरी लगाने वाले असलम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। नोटबंदी के बाद से असलम दिक्कत में था, पैसों की तंगी थी, 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला था। और तीसरी तस्वीर यूपी के आगरा की है, नोटबंदी से किसान परेशान है, खाद और बीज खरीदने के लिए पैसे मयसर नहीं है, रोजगार का कोई नया जरिया नजर नहीं आता। और चौथी तस्वीर बांदा की है, सरकार कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने का दम तो भर रही है, लेकिन जब गांवों में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, एटीएम और डेबिट कार्ड नहीं हैं, तो वो कैसे कैशलेस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे? तो जाहिर है नोटबंदी ने आम जनजीवन पर बड़ा असर डाला है, लेकिन अगर त्योहार आ जाए तो माहौल कुछ देर के लिए बदल ही जाता है। मौका क्रिसमस का है, प्रभु यीशु की प्रार्थना का है, जो सिर्फ मोमबत्ती जलाकर या कैरल गाकर ही नहीं होती। देवघर से रजत से मिलिए, जिन्होंने अनूठे ही अंदाज में प्रभु यीशु के लिए अपनी भक्ति दिखाई है, आप ही देखिए।
हर तरफ क्रिसमस की धूम है। बाजारों से लेकर चर्चों तक रौनक ही रौनक बिखरी पड़ी है। बस कुछ ही देर में प्रभु यीशु का जन्म होने वाला है और हर तरफ होगा सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल। खासकर चर्चों में कैरल की धुन तो अभी से मन मोहने लगी है। हर कोई अपने अंदाज में क्रिसमस को यादगार बनाने में जुटा है। कोई नई कैरल धुन बना रहा है तो वहीं देवघर के रजत ने तो कुछ ऐसा कर दिखाया कि देखने वाला हर कोई हैरान है। क्रिसमस की रौनक तो देखो, प्रभु को डाक टिकट का तोहफा, रजत मुखर्जी ने प्रभु यीशु और उनके भक्तों के लिए जो तोहफा तैयार किया है वो वाकई में बेहद खास है। देवघर का ये मुखर्जी परिवार यूं तो दूसरे परिवारों की तरह ही क्रिसमस मनाता है, लेकिन जो तोहफा ये अपने इष्ट को देने वाला है वो इन्हें सबसे अलग बना देता है, क्योंकि परिवार ने डाक टिकटों के जरिए प्रभु यीशु की पूरी कहानी ही दुनिया के सामने रख दी है। दरअसल रजत मुखर्जी को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक है और धीरे धीरे इसी शौक के चलते उन्होंने टिकटों में जुटा ली ईसा मसीह की पूरी कहानी। रजत मुखर्जी के पास प्रभु यीशु की जीवनी से लेकर अंत तक की कथा दिखाई गई है। इनके पास 40,000 से भी ज्यादा दुर्लभ डाक टिकट हैं, जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और रजत मुखर्जी डाक टिकट के माध्यम से लोगों तक यीशु के संदेश को पहुंचा रहे हैं। क्रिसमस की ही डाक टिकट है, हमको लग रहा है 200-400, तो उनमें से कुछ हम लगाते हैं। हर साल अलग अलग डाक टिकट लगाते हैं और प्रभु का आराधना हम वर्षों से इसी प्रकार करते आ रहे हैं। लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो है इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, मनुष्य के रूप ले करके, एक ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आए थे और हमारे ही बीच में हमारे ही साथ रहा, हमारे ही दुख कष्टों को उन्होंने सहा। कितने डाक टिकट हैं दादा, सब कुल मिला? मेरे पास तो अनगिनत है, मेरे ख्याल से 30,000-40,000 भी डाक टिकट होंगे मेरे पास। रजत बचपन से ही डाक टिकट का संग्रह करते आ रहे हैं और उनके पास हर पर्व त्योहार से जुड़े दुर्लभ टिकट मौजूद हैं, जिनके जरिए ये भाईचारे का संदेश पहुंचा रहे हैं। रजत के पास करीब 40,000 देशी विदेशी डाक टिकट हैं, लिहाजा उन्होंने ठाना कि इस बार क्रिसमस डाक टिकटों के इस अनूठे संग्रह के साथ ही मनाया जाएगा। रजत ने करीब 15 देशों के अलग अलग सैकड़ों टिकट इकट्ठा किए जो प्रभु यीशु की जिंदगी से जुड़े थे, और फिर इन सभी टिकटों को चार्ट पेपर पर लगाकर यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जीवन लीला तैयार कर दी, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रभु यीशु की जिंदगी को करीब से जान सके और सीख ले सके। प्रभु यीशु ने कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, लिहाजा रजत ने खूब समझा और इसे अपनी कलाकारी के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की। रजत की कलाकारी को देखकर बच्चे बूढ़े सभी न केवल हैरान हैं, बल्कि उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं। रजत सर हर साल क्रिसमस मनाते हैं और हम लोग यहाँ पे हर साल देखने के लिए आते हैं। इनके पास 30,000-40,000 डाक टिकट्स हैं, क्रिसमस की बहुत सारी टिकट्स हैं जिसमें हम लोग को बहुत सीख मिलती है और बहुत अच्छे से यहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है और हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। हम लोग रजत दा के यहाँ आते हैं हर साल क्रिसमस के दिन, बहुत अच्छा लगता है। इनके जीवन से हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और ये डाक टिकट्स के द्वारा हम लोग को क्रिसमस देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यूँ तो क्रिसमस हो या कोई और त्योहार, लोग भगवान को याद करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की ऐसी अनोखी भक्ति रजत को बेहद खास बना देती है। साथ ही दूसरे भक्तों के लिए भी रजत की ये पहल किसी तोहफे से कम नहीं, जिसके जरिए वो यीशु की जिंदगी का हर पल जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर मौका क्रिसमस का हो तो फिर इससे खूबसूरत कोई और तोहफा हो ही नहीं सकता। देवघर से दीप नारायण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।